नारायण महादेव हिचकियारी भाई, आप लोग याद कर रहे हो क्या लग रहा है? और सर्दी बहुत ज्यादा सितम ठा रही है भैया, इतनी सर्दी हो गई है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चलिए गर्मा गर्म कुछ बनाते हैं, और गर्मा गर्म बना रहा हूँ गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा मैं बनाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, इतनी सर्दी भैया कौन मेहनत करे, कौन घिसे इतने इतने गाजर। चलिए आज आपका काम आसान कर देते हैं हम, और बनाते हैं गाजर का हलवा बिना घिसे। कट करके भी नहीं बना रहा हूँ भैया, कट कर करके छोटे छोटे पीस में, नहीं नहीं कट भी नहीं करूंगा, घिसूंगा भी नहीं। कैसे बनाता हूँ उसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा, टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने बताई है। चलिए, 1 किलो मैंने गाजर लिया हुआ है, गाजर आप बिल्कुल लाल वाली लें। और एक चीज और, आपको यहाँ पे ना पतली वाली गाजर लेनी है। आमतौर पे जब आप हलवा बनाते हो तो मोटी गाजर लेते हो, घिसने में आराम रहती है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे पतली वाली गाजर लेनी है, बिल्कुल लाल लाल लेनी है। आपके हलवे का टेस्ट पता है कब अच्छा आता है, गाजर का हलवा कब अच्छा बनता है? जब आपकी गाजर अच्छी होगी, गाजर आप बिल्कुल लाल लाल, और ये देखिए बिल्कुल पतली है, ये जो इसके अंदर नीचे ये जो मिडिल पोर्शन है ना बिल्कुल कम होना चाहिए, वैसी गाजर आप सेलेक्ट करिए अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो। आगे दिखाता हूँ, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शुद्ध देसी घी डाला है। घी मेल्ट हो गई, इसी में हम अपने गाजर, आपको काटना नहीं है ना ही घिसने की जरूरत है, ये देखिए सारे गाजर को हम इसी में डाल देंगे। हाँ, अगर आपके कुकर में गाजर नहीं आ पा रहे तो आप भी इसे एक कट कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे मेरे कुकर का मुंह जो है ना वो चौड़ा है थोड़ा, तो इसमें हम सारे गाजर, गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया, तब मैंने छीला है, ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं इसे हटा दिया, और नीचे की जो पतली वाली पोर्शन होती है मैंने उसे भी कट करके निकाल दिया है। गाजर को एक लैडर ले लिया मैंने, इसे ना हमें 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, चारों तरफ से घुमा घुमा के हल्के हाथों से इसे रोस्ट करते जाना है। गाजर हमारी रोस्ट हो रही है, इधर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आप चाहें तो 750 ml भी ले सकते हैं। और दूध को हमने इसको हाफ से भी कम यानी 1/4 तक हमें दूध को बॉयल करना है। यहीं पे मैं केसर के धागे इसी वक्त डाल दे रहा हूँ इसमें, और इसे अच्छे से चारों तरफ से घुमाते घुमाते अच्छे से रोस्ट करना है हमें। गाजर को रोस्ट करते करते 4 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए इलायची को मैंने कूटी है, 5 से 6 इलायची के छिलका रह गया, आज दिखाता हूँ कैसे इलायची से फ्लेवर निकाला जाता है। तो यहीं पे हम इलायची के छिलके डाल रहे हैं, और इलायची बाद में डालेंगे हम, इससे ये होगा ना कि जो इलायची के छिलके वो भी हल्के से भुन जाएंगे घी में, तो इससे फ्लेवर बढ़ जाएगा। और यहीं पे हम 1/2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। अब आप कहोगे हलवे में नमक, आप डाल के देखना, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे ना बिल्कुल चीनी चीनी का फ्लेवर आएगा, लेकिन ये ना इन्हेंस करेगा आपके गाजर के हलवे के टेस्ट को। और मैं सेकंड रीज़न ये है कि मुझे गाजर को गलाना है, तो नमक इसको गलाने में कारगर रहेगी, इसलिए मैंने नमक डाला है। बस इसे 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं हम। 7 से 8 मिनट मैंने गाजर को भून लिया है, ये देखिए नाइफ से मैं चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हार्ड है अभी हमारी गाजर। बस यहीं पर हम कुकर की लिड लगा देंगे, और मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल आने तक हम इसे पका लेंगे। जब तक हमारी गाजर में विसिल आएंगे और बिल्कुल वो ठंडी हो जाएगी कुकर, तब तक हमारा दूध भी इधर गाढ़ा हो जाएगा। 2 विसिल्स आ गए थे, और कुकर का प्रेशर भी बिल्कुल निकल गया है। बस इसे हम ओपन करते हैं, और ये देखिए गाजर हमारे, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी गाजर गल गया, और ये देखिए पानी भी इसने छोड़ दिया है गाजर ने। बस अब एक लैडर लीजिए, चाहे आपके पास मैशर हो तो आप हल्का हल्का इसे मैश कर दीजिए, और गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दीजिए। यहाँ पे गैस मेरा ऑन है यहाँ पे, और इसे बहुत ज़्यादा आपको मैश ही नहीं बनाना, नहीं तो ये मुरब्बा बन जाएगा। हल्का हल्का बस आप इसे मैश कर लिया है, गैस की फ्लेम ऑन है, और मीडियम फ्लेम पे इसे, ये जो गाजर ने पानी छोड़ा है ना, बस उसे हम जला लेंगे थोड़ा, 4 मिनट तक भून लिया है, ये देखिए पानी इसका सूख गया है, और यहीं पे हमारी दूध भी बिल्कुल बॉयल होकर रबड़ी जैसी हो गई है, इसी में हम दूध अपना डाल देंगे। ये देखिए 1/4 लगभग हो गई है दूध हमारी, अब इसे हमें दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके
पकाना है। मैंने बोला था ना आपको ज़्यादा मैश नहीं करना है, ये दूध के साथ पकते पकते खुद ही मैशी हो जाएगी, और जैसे आपको लगे ना जैसे आप गाजर घिस के बनाते हैं ना वैसा टेक्सचर बिल्कुल इसका हो जाएगा। दूध हमारा काफ़ी हद तक सूख गया है और इसे मैं कॉन्टिन्यूस चलाते रहा हूँ। गाजर भी हमारी देखिए बिल्कुल मैशी हो गई है, अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे लग रहा है कि मैंने घिस के बनाया हूँ। मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया है, आप चाहे तो 3-4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, घी डालना पूरी आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम को अच्छे से कट कर लिया है। अभी आपको किशमिश नहीं डालनी है, थोड़े से रोस्ट हो जाए उसके बाद किशमिश, नहीं तो किशमिश फूल जाएगी भाई, आराम से ध्यान से करना। बस इसी को अब हम अपने गाजर के हलवे में डाल देंगे। अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स और घी को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया। ड्राई फ्रूट्स और घी डालने के बाद आपको अब भुनाई करनी है, अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भूनिए आप गाजर को, क्योंकि चीनी डाल देंगे ना तब भुनाई होगी तो खुशबू नहीं आएगी, फ्लेवर नहीं आएगा। ध्यान से 5 से 7 मिनट तक बहुत ही अच्छे से आप मीडियम फ्लेम पे अपने हलवे को भूनते रहिए। 7 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया, ये देखिए लग रही ना बिल्कुल घिस गई है, घिसी हुई है। यहीं पे अब हम चीनी ऐड करेंगे। ये ली है मैंने चीनी, 1 किलो गाजर था और उसका 1/4 हमें चीनी लेना होता है, बिल्कुल परफेक्ट मिठास आएगी। यानी मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, डिपेंड्स अपॉन गाजर, अगर आपकी गाजर अच्छी नहीं है तो आपको चीनी थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी होगी। बस चीनी डाल रहे हैं और चीनी डालने के बाद भी हम इसे 4 से 5 मिनट तक और पका ले रहे हैं। यहीं पे मैंने मावा लिया हुआ है, मावा ये मैंने 150 ग्राम लिया है, आप चाहें तो मावा बढ़ा भी सकते हैं। बस इसे हम मावे को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स कर दिया, ये देखिए इसका टेक्सचर। और यहीं पे मैंने जो इलायची के छिलके डाले थे ना, 5 से 6 इलायची कुटी थी, बस इसका पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे, आपको इस स्टेज पे इलायची डालना है तब इसका पूरा फ्लेवर आएगा। बस बनकर तैयार है गाजर का हलवा, बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए सामने से दिखाऊं भाई आपको, ये देखिए इसका लुक, लग रही है बिल्कुल पार्टी वाली। कम समय में आपका ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही कम समय लेता है और कम मेहनत में, ना घिसने की जरूरत ना ही काटने की जरूरत है जैसा कि मैंने बताया। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार लग रही है हमारी ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा। एक चीज़ लेकिन मैं और कहना चाहूँगा, हम लोग जब हलवा खाते थे ना, मम्मी जो बनाती थी घिस के दूध में उबाल के, वो टेस्ट तो कभी भूल ही नहीं सकता। इतने इतने लोग थे हमारे यहाँ, दोनों फैमिली थी, दोनों लोग थे हम लोग मेम्बर्स, उसमें मम्मी का हलवा बनाना, उस समय तो मावा वावा इतना नहीं रहता था, दूध में ही बॉयल करके। मैं हॉस्टल ले जाता था लखनऊ में जब था, तो लोग मांग मांग के खाते थे, हमारे फ्रेंड्स कहते थे आंटी से हलवा ज़रूर मंगाना। तो वो हलवे की रेसिपी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ये मैंने शॉर्टकट तरीका बनाया, ये बहुत अच्छी है। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, बाय एंड टेक केयर।